ओके नाउ वी स्टार्ट लर्निंग चैप्टर नंबर सेकंड क्वेश्चन आंसर्स. ओके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स जो हमने हमारे बचे हैं. ओके नाउ वी स्टार्ट. व्हाट कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है आपको? ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. वेयर डिड राकेश प्लांट द सीड एंड हाउ? राकेश ने कहां जो प्लांट के सीड है उसको बोया था, ठीक है, जहां कहां पर सीड लगाए थे उसने और कैसे लगाए थे. ओके राकेश प्लांटेड द सीड इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द सॉइल वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग. राकेश ने प्लांट कॉर्नर पे लगाए थे जहां पर सॉइल बहुत सॉफ्ट थी, वहां पर अच्छे से सीड को बोया जा सकता था. ओके वहां पर उसने क्या लगाया, सीड लगाए. किसके सीड लगाए थे? चेरी ट्री के. जहां पर सीड जो है वापस से प्लांट बन सकते, उग सकते हैं, ठीक है, वहां पर उसने सीड लगाए. कहां पर? गार्डन के कॉर्नर पे. सो ही डिड नॉट हैव टू डिग, ही प्रेस्ड द सीड विद हिज थंब एंड द सीड वेंट इनटू द सॉइल. उसके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं थे जिससे वो सीड को उसमें डाल सके सॉइल के अंदर, तो उसने काई से करा, उसको थंब के से उसको प्रेस किया, सीड को अंदर डाला, ठीक है, जमीन के अंदर, और क्या कर दिया उसमें, सॉइल के अंदर सीड को बो दिया, जिससे क्या होने लग गया, प्लांट की बाद में ग्रोथ होने लग गई थी. ओके राकेश ने क्या किया, जो गार्डन के कॉर्नर पे जाके सीड को प्लांट किया. ओके उसके पास कोई ऐसे यूजेबल चीजें नहीं थी जिससे वो उसको ग्रो उसको अंदर डाल सके, ठीक है, सॉइल के. तो उसने क्या किया, अपने जो थंब है उससे क्या किया, उसको प्रेस किया, ठीक है, और सीड कहां चले गए, सॉइल के अंदर चली गई. ओके आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, मेरी आवाज आपको आ रही है? ओके राकेश प्लांटेड द सीड इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द सॉइल वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग. सो ही डिड नॉट हैव टू डिग, ही प्रेस्ड द सीड विथ हिज थंब एंड द सीड वेंट इनटू द सॉइल. सिद्धी रिपीट द आंसर, जो मैं लाइन बोलूंगी उसे रिपीट करना है. अनम्यूट योर सेल्फ. ओके राकेश प्लांटेड द सीड इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन where the soil was soft and yielding. Where the soil of soft and yielding. Yielding. It's yielding.
Yes. So he did not have to dig. So he did not have to dig. So he did not have to dig. Don't take so too much he time. Did not have to dig. He pressed the seed with his Don't thumb. Take too much time. I said to you. He pressed the seed with his thumb. With his thumb. And the seed went into the soil. And the seed went into the soil. And Rakesh planted the seed in the corner of the garden. Rakesh planted the seed in the corner of the garden where the soil was soft and yielding, where the soil was soft and yielding. So he did not have to dig. So he did not have to dig. He pressed the seed with his thumb. He pressed the seed with his thumb. And the seed went into the soil. And the seed went into the soil. All of you clear, fourth one? Then thumbs up. Okay, now we move to fifth one. How did grandfather and Rakesh spend their winter evenings? Grandfather और Rakesh winter की जो evenings होती है उसमें अपना time कैसे spend करते हैं? Grandfather and Rakesh sat around a charcoal fire in the cold winter evenings. वो क्या करते हैं? Evening में fire करके जला के ठीक है उसके पास में बैठ जाते हैं. ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश वेरिड स्टोरीज. जो ग्रैंडफादर हैं वो राकेश को बहुत सारे स्टोरीज सुनाते हैं. सम स्टोरीज वर अबाउट गोस्ट दैट लिव्ड इन ट्रीज. बहुत सारी स्टोरीज गोस्ट के बारे में होती है, भूत के बारे में होती है जो कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं. सम अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती है जिसमें क्या होता है, पीपल किसमें टर्न होते हैं, एनिमल्स में टर्न हो जाते हैं. एंड अदर अबाउट बीन्स दैट जम्प्स. और बहुत सारी स्टोरी ऐसी होती है कि जो बीन्स है वो क्या करते हैं, जम्प करते हैं. राकेश इन टर्न वुड रीड द न्यूज़पेपर टू ग्रैंडफादर. और राकेश का जब टर्न आता है तो राकेश क्या करता है, ग्रैंडफादर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता है. सिंस ग्रैंडफादर्स आईसाइट वॉज वीक. वो ग्रैंडफादर के लिए पेपर इसलिए पढ़ता है बिकॉज ग्रैंडफादर की जो आईज है किस वो बहुत ज्यादा वीक है. उनको पेपर उनसे पेपर नहीं पढ़ा जाता है, न्यूज पेपर. इसलिए राकेश उन्हें पढ़ के न्यूज सुनाता. ओके, ग्रैंडफादर एंड राकेश सेट अराउंड अ चारकोल फायर इन द कोल्ड विंटर इवनिंग्स. ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश वेरिड स्टोरीज. सम स्टोरीज वर अबाउट गोस्ट दैट लिव्ड इन ट्रीज. Some about people who turned into animals and other about beans that jumped. Rakesh in turn would read the newspaper to grandfather since grandfather's eyesight was weak. Okay? Kushal, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, repeat the line, okay? Grandfather okay. and okay, grandfather and Rakesh sat around the charcoal fire. Grandfather and Rakesh sat around a charcoal fire. Grandfather and Rakesh sat around a charcoal fire. Grandfather and Rakesh sat around a charcoal fire. It's charcoal, है ना? Charcoal fire. Charcoal fire. In the cold winter evenings. In the
cold winter evening. In the cold winter evenings. In the cold winter evenings. Grandfather told Rakesh varied stories. Grandfather told Rakesh varied story. Grandfather told Rakesh varied stories. Grandfather told Rakesh varied stories. Some stories were about ghosts. Some stories were about ghosts. Some stories were about ghosts. Some story were about ghosts. Is were about, you know, were about ghosts. Were about ghosts. That live in trees. That lives in trees. That lived in trees. That lived in trees. Some story were about ghosts that lived in trees. Some about people who. Some stories about. What are you reading? What I'm saying, what are you reading? I'm said, some stories were about ghosts that lived in trees. Some stories were about ghosts that living in the trees. Some about people. Who turned into animals. And other about beans that jumped. And other about beets that jumped. And others about beans that jumped. And other about beans that jumped. Rakesh in turn. Would read the newspaper to grandfather. Since grandfather's eyesight was weak. Grandfather and Rakesh sat around a charcoal fire. In the cold winter evenings. Grandfather told Rakesh varied story. Some story were about ghosts. They lived in trees. Some about people. Who turned into animal. And other about. Beans that jumped. Rakesh in turn. Would read the newspaper to grandfather. Since grandfather's eyesight was weak. Okay. All of you clear, then thumbs up. Answer samajh mein aa gaya? Then thumbs up. Okay, now 6th one. How did the goat harm the cherry tree? Goat ne kaise cherry tree ko harm kiya? When the tree was about 2 feet in height, jab cherry tree ki height 2 feet thi, a goat entered the garden. To goat ne kya kiya? Garden mein enter kiya.
एंड एट ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री, और सारी जो ट्री की लीव्स थी उसने ईट कर ली, खा ली. ओनली द स्टीम एंड टू थ्री ब्रांचेस रिमेन, टू थ्री ब्रांचेस रिमेन. ओके, उसने सारी लीव्स जो वो है खा ली, खाली जो स्टीम बची थी उसकी वो बची थी, और जो एक दो जो ब्रांचेस है वो उसमें बची थी, बाकी जो लीव्स जो है वो सारी गॉड ने खा ली थी. ओके, गॉड ने गार्डन में एंटर करके चेरी ट्री की सारी लीव्स खा ली, उसमें से सिर्फ एक दो जो ब्रांचेस हैं वो बची, और इससे जो चेरी ट्री को क्या हुआ, बहुत ज्यादा हार्म हुआ. ओके, वेयर द ट्री वॉज अबाउट 2 feet इन हाइट, अ गॉड एंटर द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री, ओनली द स्टीम एंड टू थीन ब्रांचेस रिमेंड. ओके, गौरव अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, रिपीट द लाइंस. व्हेन द ट्री वॉज अबाउट 2 feet इन हाइट, व्हेन द ट्री वॉज अबाउट 2 feet इन हाइट, When the tree was about 2 feet in height, when the tree was about 2 feet in height, a god entered the garden, 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 and ate all the leaves of the tree. And at all the leaves of the tree, and at all the leaves of the tree, and at all the leaves of the tree, only the stem and 2 thin branches remained. Only the stem and 2 thin branches remained. Only the stem and 2 thin branches remained. Only the stem and 2 thin branches remain. When the tree was about 2 feet in height, when the tree was about 2 feet in the height, when the tree was about 2 feet in height, when the tree was about 2 feet in height, a god entered the garden, 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 and ate all the leaves of the tree, and ate all the leaves not clear voice, only the stem and 2 thin branches remain. Okay. And at all the leaves of the tree. Okay, all of you clear this one? Only the stem and 2 thin branches remain. When the tree was about 2 feet in height, a god entered the garden and ate all the leaves of the tree, only the stem and 2 thin branches remained. Okay? Last one. Do you think all birds migrate to escape harsh weather? Give reason to support your answer. Or do you think, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सारी बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती है जब हर्ष वादर होता है, मतलब खराब
वेदर होता है. ओके गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर्स. क्या सारी बर्ड्स जब हर्ष वेदर होता है माइग्रेट, माइग्रेट मीन्स एक ही जगह बस जाना, ठीक है, वो सारी बर्ड्स यही करती है क्या? नॉट ऑल बट मैनी बर्ड्स सच एज गीस, डव्स एंड वाटरफ्लोज माइग्रेट टू एस्केप द हर्श वेदर. बर्ड्स लिविंग इन द आर्कटिक रीजन हैव सर्टेन एडेप्टेशन व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव द कोल्ड वेदर एंड डू नॉट माइग्रेट.